तो गाइस आप लोग देख रहे हो यूनाइटेड इंडिया वर्सेस हॉकआई का टीम का बेस्ट ऑफ थ्री मैच। ऑलरेडी एक मैच हो चुका है, यूनाइटेड इंडिया वहाँ पे 7-4 से जीत चुका है। ये दूसरा वाला मैच है, यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया की तरफ से यूआई लेवी, अभी क्लासी एंड रॉक भाई खेल रहे हैं, एंड हॉकआई की तरफ से आकाश भाई, बंश भाई, फेनिक्स भाई एंड अंकित भाई खेल रहे हैं। और यहाँ पे चलिए मैच को कर देते हैं शुरू। तो सेकंड मैच का यहाँ पे हम लाइव करेंगे, मतलब सेकंड में इसका वीडियो हम यहाँ पे डाल रहे हैं, बाकी जो फर्स्ट मैच का वहाँ का कुछ क्लिप्स भी हम बाद में डाल देंगे। इस मैच का वीडियो के लास्ट में हम डाल देंगे, आप लोग वो भी देख सकते हो। और ये वाला जो मैच है ये पूरा आप लोगों को दिखाएंगे हम। एंड बाकी यूनाइटेड इंडिया का टीम अभी तैयार हो चुका है, एंड यूनाइटेड इंडिया का जो टीम है ये टीम सभी के साथ वर्सेस लेने के लिए अभी रेडी। तो आगे आप लोगों का टीम भी हमारे साथ वर्सेस खेलना चाहते हैं तो हमारे इंस्टा पे जरूर कांटेक्ट करें, आप लोगों के साथ वर्सेस लिया जाएगा। हमारा शेड्यूल ऑलरेडी बन चुका है, बहुत लंबा एक टाइम का शेड्यूल बन चुका है, तो वो शेड्यूल हमारा जब तक ख़त्म होगा तो आप लोगों को आगे की डेट दिया जाएगा। तो अगर आप लोगों को खेलना है हमारे साथ वर्सेस, यूनाइटेड इंडिया के साथ वर्सेस, तो हमारे इंस्टा आईडी united.india.official में आप लोग कांटेक्ट जरूर करें। तो चलिए यहाँ पे हम मैच की जो हाल है ये आप लोगों को बताते हैं बारी बारी से। तो यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया का टीम रेडी एंड हॉकआई की टीम भी रेडी, मैच शुरू। और काफ़ी बढ़िया वाला सर्वाइव करते हैं हमारे यूनाइटेड इंडिया के ये जो टीम है, काफ़ी बढ़िया और अच्छा होल्ड कर लेते हैं। एंड उधर हॉकआई की टीम की तरफ से आकाश भाई ने काफ़ी बढ़िया खेला था और ये डबल एम बहुत बढ़िया चलाते हैं। तो यूनाइटेड इंडिया के बंदे को, आकाश भाई को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आकाश भाई को अगर पकड़ नहीं पाएंगे तो मैच बसाना मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए दोनों ही टीम काफ़ी टाइम से बैठे हुए हैं, एंड लेवी भाई यूज़ करते हैं क्लू। क्लू यूज़ करने के बाद पता चलता है बंदे का लोकेशन। यहाँ पर रॉक भाई थोड़ा सा डैमेज हुए है, थोड़ा सा नहीं काफ़ी ज़्यादा डैमेज हुए है, और यहाँ पे मैडी कर रहा है रॉक भाई, एंड यहाँ पे बंच भाई डैमेज है, आकाश भाई जोन से खा गए डैमेज, और यहाँ पे आकाश भाई लगभग डाउन होने वाले थे बट सही टाइम पर लगा लिया है क्रोनो एंड बच गया है। और इस बार कौन डैमेज हुआ है? आकाश भाई, बंश जी, आकाश भाई डैमेज हुआ है, बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। आकाश भाई के पास एक ही मेडी बचा होगा अभी, एंड आकाश भाई का बचना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे अंकित भाई नॉकडाउन हो चुके हैं, अंकित भाई नॉकडाउन हो चुके हैं। यूनाइटेड इंडिया की तरफ से अभी तक कोई भी नॉकडाउन नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से आप देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा डैमेज है अभी भाई, और बंदा बाहर निकल के आया, ग्लू लगा लिया अभी भाई ने एकदम सही टाइम पे, एंड फायर किया है बट कोई फायदा नहीं हुआ है। एक को यहाँ पे नॉकडाउन, तीनों को खत्म कर दिया एंड राउंड ले लिया है यूनाइटेड इंडिया वाले ने। तो पहला राउंड यहाँ पे दूसरे मैच का यूनाइटेड इंडिया ने जीता, एंड स्कोर पे एक बार नजर रखेंगे। क्लासी भाई ने 2 किल किया है, 1 किल अभी भाई ने किया है, एंड रॉक भाई ने किया है 1 किल। और उधर हम देखेंगे जो हॉकआई की टीम है अभी तक खाता नहीं खोल पाया कोई भी, और आकाश भाई का अभी तक डैमेज भी नहीं पड़ा है, लेकिन आकाश भाई जब ले लेंगे डबल ओम बहुत बढ़िया चलाते हैं डबल ओम, तो आप लोगों को पता चलेगा थोड़ी देर में। एंड ये दूसरा वाला राउंड जो है पौची नॉक वाला राउंड आ चुका है। पौची नॉक में पिछला वाला मैच जो है पौची नॉक में ख़त्म हुआ था, लास्ट फाइट पौची नॉक में हुआ था, 11वां राउंड पौची नॉक में हुआ था, एंड वहाँ पे 7-4 से यूनाइटेड इंडिया जीते थे। एंड ये दूसरा मैच चल रहा है, तो दूसरा मैच बेस्ट ऑफ थ्री का मैच है, एंड दूसरा मैच में अगर यूनाइटेड इंडिया जीत जाते हैं तो यहाँ पे तीसरा मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे हॉक फेनिक्स भाई लेवी भाई को मारने की कोशिश कर रहे हैं बट रेड नहीं हो रहा, रेड नहीं हो रहा, यहाँ पे निशाने पे नहीं आ रहा है फेनिक्स भाई का। लेकिन यहाँ पे लेवी भाई को थोड़ा सा पड़ा डैमेज, एंड उधर भी किसी को डैमेज पड़ा था, आकाश भाई को पड़ा था। तो यूनाइटेड इंडिया थोड़ा कंफर्टेबल होगा इस टाइम, क्योंकि यूनाइटेड इंडिया ने एक मैच ऑलरेडी जीत लिया है वेस्ट ऑफ थ्री का, तो इनके पास एक मौका है यूनाइटेड इंडिया के पास। बट यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर फील कर रहे होंगे हॉकआई की टीम, क्योंकि हॉकआई की जो टीम है ये पहला मैच जो 7-4 से हारने के बाद
थोड़ा सा यहाँ पे प्रेशर फील करेगा क्योंकि आगे बचा हुआ एक मैच कम से कम इनको जीतना पड़ेगा, तभी जाके आखिरी वाला मैच होगा। क्योंकि बेस्ट ऑफ थ्री का ये रूल होता है, अगर कोई दो कोई एक टीम लगातार दो मैच जीत जाता है तो वही बेस्ट साबित होता है। तो क्लासी भाई को मार दिया गया है, सॉरी क्लासी भाई ने एक को मार दिया। एंड यहाँ पे लैबी भाई इस बार नॉकडाउन हो चुके हैं, लैबी भाई नॉकडाउन हो चुके हैं। क्या लैबी भाई को बचाने की कोशिश किया जाना चाहिए, जरूर किया जाएगा, बट बचा पाएंगे कि नहीं बताना मुश्किल है। यहाँ पे एक और नॉकडाउन है, आकाश भाई यहाँ पे बचाने की कोशिश करेंगे अपने टीम मैट को, लेकिन यहाँ पे बंदे एक साथ आए हैं और खत्म कर दिया है। और आखिरी बंदा भी यहाँ पे खत्म, दूसरा राउंड भी यूनाइटेड इंडिया के नाम, बहुत बढ़िया। तो दूसरा राउंड के समाप्ति के बाद स्कोर हम एक बार देखेंगे, यूनाइटेड इंडिया का स्कोर और किल यहाँ पे जो है, क्लासी भाई का 4 किल है, अभी भाई का 3 किल, रॉक भाई ने क्या है 1 किल, एंड लेवी भाई अभी तक खाता नहीं खुले। और यहाँ पे हॉक आकाश भाई का 1 किल अभी हुआ है, एंड ये शायद किसी को मारे थे, रॉक भाई को शायद मारे थे एक बार, नहीं लेवी भाई को मारे थे, पिछले गेम में मारा था लेवी भाई को। एंड उसके बाद बंच फैनिक्स अंकित भाई का अभी तक खाता नहीं खोला। तो अगला राउंड यहाँ पे तीसरा राउंड हो चुका है शुरू, एंड वही सेम स्ट्रेटेजी, तो अंकित भाई घूम के जा रहे हैं टायर से जाम करते हुए, कहा जाएगा क्या करेगा अंकित भाई, बहुत नीचे है, नीचे से कोई प्लानिंग कर रहा है अंकित भाई। हम अंकित भाई पे थोड़ा ध्यान देंगे, अंकित भाई का प्लानिंग क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। एंड अंकित भाई धीरे धीरे जा रहा है और घूम के चरने की अंकित भाई की कोशिश, अगर यूनाइटेड इंडिया को पता नहीं चला तो शायद मुश्किल में पड़ सकते, पीछे से अगर बंदा मारता है तो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं सामने वाला टीम। तो देखते हैं अंकित भाई क्या यहाँ पे कामयाब हो पाता है, आकाश भाई यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डैमेज है, एंड भाई साहब एक को कर दिया नॉक आकाश भाई, लेकिन आकाश भाई भी इस बार नॉक, दो को नॉक किया है भाई। यहाँ पे लैबी भाई एंड क्लासी भाई नॉक है, बट यहाँ पे बचाने का मौका नहीं मिलेगा कि मिलेगा देख लेते हैं, एंड मुझे लग रहा है बचाने का मौका मिल जाएगा। आकाश भाई को यहाँ पे बचा लिया, बट यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया को नुकसान हुआ है, दो दो प्लेयर मर चुका है इनका। लेकिन यहाँ पे भाई साहब हॉक आई का बंदा दो दो नॉक तो हुआ है, बट किल अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, तो किल कंफर्म नहीं कर पाया यूनाइटेड इंडिया वाले, तो थोड़ा मुश्किल में यहाँ पे रहेंगे। एंड तीसरा जो राउंड है ये हो सकता है हाथ से निकल जाए, तो फैनिक्स भाई को रिवाइव करने की कोशिश किया जा रहा है, एंड यहाँ पे लैबी भाई लगातार फायर करते जा रहे, बट क्या हुआ है, आकाश भाई वंश भाई दोनों अभी भी डाउन है, और यहाँ पे लैबी भाई काफ़ी ज़्यादा डैमेज है बट अभी तक डटे हुए है। स्काईलार का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते गए, एंड लैबी भाई ने यहाँ पे डबल किल के साथ खत्म कर दिया। और यहाँ पे भाई साहब वन वर्सेस वन की सिचुएशन, लैबी भाई वर्सेस फैनिक्स, तो यहाँ पे फैनिक्स भाई शायद मार देंगे लैबी भाई को, पता नहीं, लैबी भाई का हालत बहुत ही ज्यादा खराब है, बट यहाँ पे भाई साहब ओ भाई 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 हेल्थ नहीं था लैबी भाई का, बहुत ही कम हेल्थ था, बट यहाँ पे गलत कर दिया फैनिक्स भाई ने, सोचा कि भाई डैमेज था बंदा, हेल्थ कम है और उसका फ़ायदा चलो लिया जाए, और फ़ायदा लेने की कोशिश में भाई साहब जो एक बढ़िया पोजीशन बनाया था, भाई साहब राउंड निकालने की पोजीशन में आ गए थे हॉकआई की टीम, लेकिन एक छोटा सा गलती और लेवी भाई का ओपी वाला शॉट की वजह से वो वाला राउंड हाथ से निकल गया। तो 3 राउंड यहाँ पे ख़त्म होने के बाद यूनाइटेड इंडिया का स्कोर यहाँ पे 3-0। तो 3-0 यहाँ पे हो चुका है यूनाइटेड इंडिया का स्कोर, एंड हॉकआई अभी तक खाता नहीं खोल पाए स्कोर का, लेकिन यहाँ पे हॉकआई की टीम की तरफ से 2 किल मिला आकाश को, एंड अंकित भाई को मिला है 1 किल। चौथा राउंड शुरू हो चुका है, चौथा राउंड का पॉइंट है शिपयार्ड पे चलेगा चौथा राउंड, एंड यहाँ पे हॉक आकाश भाई जो है ऊपर चढ़ चुका है, आकाश भाई के पास ओम आ चुका है, एंड यहाँ पे बंच भाई कंटेनर के पीछे छुपा हुआ है, और फैनिक्स भाई भी कंटेनर के पीछे, अंकित भाई भी कंटेनर के पीछे है, बाकी यूनाइटेड इंडिया को देख लेते हैं, लैबी भाई एंड रॉक भाई दोनों साथ, एंड अभी भाई भी बिल्कुल पास
क्लासी भाई भी बिल्कुल पास, तो चारों के चारों बंदे एक साथ खेल रहे हैं। टीम वर्क कोऑर्डिनेशन काफ़ी बढ़िया है और एक दूसरे को काफ़ी बढ़िया हेल्प करते हैं यूनाइटेड इंडिया के बंदे। एंड कोई भी बंदा अगर नॉकडाउन हो जाता है तो तुरंत ही कर देते हैं रश। तो दोनों ही टीम का अभी तक कोई भी नॉकडाउन नहीं दिखा, कोई भी बंदा अभी तक डैमेज भी नहीं खाया है। चल रहा है चौथा राउंड, मैच टू। पहला मैच यूनाइटेड इंडिया ने जीता है 7-4 से एंड दूसरा मैच यहाँ पे चल रहा है और दूसरा मैच का 3 राउंड हो चुका है। यूनाइटेड इंडिया के स्कोर 3-0 एंड धीरे धीरे जोन आगे बढ़ते हुए जा रहा है। सारे टीम, दोनों ही टीम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जोन का कवर लेते जा रहे हैं, सेफ जोन पे पहुंच रहे हैं। और शिपयार्ड में अच्छी बात यह है कि भाई साहब कंटेनर आपको बहुत सारा देखने को मिलता है तो कवर आपको बढ़िया मिल जाता है। अंकित भाई यहाँ पे लैबी भाई गुजर गए सामने से, कुछ नहीं करे अंकित भाई ने एंड यहाँ पे ग्लू लगा दिया है और यहाँ पे लैबी भाई आ चुके हैं, कर दिया है अटैक लैबी भाई ने। बट यहाँ पे लैबी भाई नॉकडाउन है, उधर फ्रैनिक्स भाई नॉकडाउन है, तो फर्स्ट ब्लड पंच भाई को मिल चुका है और यहाँ पे अभी भाई हो चुका है नॉकडाउन। तो ये वाला राउंड में मुश्किल में दिख रहे यूनाइटेड इंडिया, बट यहाँ पे भाई साहब क्लासी भाई के पास अभी भी मौका है राउंड को निकालने का एंड यहाँ पे क्या करेगा। ओ भाई साहब मार दिया मार दिया मार दिया एंड भाई मेरे को लगा नहीं था ये वाला राउंड यूनाइटेड इंडिया निकाल लेगा, बट बढ़िया से निकाल लिया ये राउंड भी। एंड पिछले गेम की तरह ये भी 4-0 से यूनाइटेड इंडिया आगे थे और पिछले गेम में हमने देखा था पहला वाला जो मैच हुआ था उसमें यूनाइटेड इंडिया 4-0 से आगे होने के बाद अच्छा कमबैक किया था हॉकआई की टीम ने एंड कमबैक करने के बाद 4 राउंड जो है ले लिया था। मैच खत्म होते होते 4-7 से यूनाइटेड इंडिया का 7 हुआ था और हॉकआई का 4 हुआ था स्कोर, लेकिन यहाँ पे फिर से यूनाइटेड इंडिया 4 राउंड पर आगे है। तो पिछले बार की तरह क्या ये 5वां राउंड यूनाइटेड इंडिया को हरा के खाता खोल लेगा हॉकआई की टीम, या फिर इस बार यूनाइटेड इंडिया और भी दमदार परफॉर्मेंस करेंगे और 4 से स्कोर 5 बना देंगे। तो देखते क्या होता है आगे, कुछ भी हो सकता है, नहीं पता मेरे को। हेलो, हाँ मैं अभी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई, बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे दोनों ही टीम काफ़ी संभल के खेल रहे हैं और प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होगा हॉकआई की टीम का, क्योंकि हॉकआई की जो टीम है ऑलरेडी पहला वाला मैच हार चुका है, दूसरा मैच में 4-0 से पीछे है और जो टीम पीछे रहता है और ख़ास तौर पे अगर खाता नहीं खोल पाता, स्कोर उनका 0 रहता है, तो वो टीम काफ़ी प्रेशर में रहता है। तो ये प्रेशर यूनाइटेड इंडिया की टीम के ऊपर नहीं है, रिलैक्स होकर खेलेंगे क्योंकि एक मैच तो ऑलरेडी जीत चुका है यूनाइटेड इंडिया की टीम। लेकिन यहाँ पे ये हॉकआई के ऊपर जो प्रेशर है, इस प्रेशर की गलती का फायदा यूनाइटेड इंडिया लेना चाहेंगे। तो यूआई क्लासी रॉक हॉक आकाश पंच सभी के सभी कर रहे हैं सर्वाइव और यहाँ पे फैनिक्स भाई को थोड़ा सा डैमेज पड़ा है एंड यहाँ पे भाई ग्लू लगा लिया है, फैनिक्स भाई ने ग्लू लगा लिया एंड सामने आकाश भाई को इस बार नॉकडाउन कर दिया है और आकाश भाई नॉकडाउन होना काफ़ी खतरनाक संकेत है, खतरनाक संकेत है। और ये वाला राउंड भी हॉकआई की टीम की तरफ से नहीं निकाला जाएगा एंड यूनाइटेड इंडिया का क्लासी भाई ने मारा है ट्रिपल किल के साथ, काफ़ी क्लास वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया है एंड क्लासी भाई के इस क्लास परफॉर्मेंस के साथ किल भी पहुँच चुका है 9 एंड लवी भाई का किल 5, अभी भाई का 4, रॉक भाई यहाँ पे सपोर्टिव रोल में दिख रहे हैं एंड बाकी यहाँ पे हॉकआई की जो टीम है आकाश भाई बंश भाई अंकित भाई दो 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 किल कर चुके हैं, फैनिक्स भाई का अभी तक खाता नहीं खोला। तो छठा राउंड यहाँ पे प्रेशर जितना राउंड बढ़ता जाएगा प्रेशर उतना बढ़ता जाएगा हॉकआई की टीम के ऊपर, क्योंकि भाई साहब ये जो प्रेशर है जब तक आप स्कोर ओपन नहीं करोगे, खाता नहीं खोलोगे, एक राउंड जब तक आप अपने नाम नहीं लोगे तो प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता रहेगा एंड वो प्रेशर के चलते
आप लोगों के मन में एक मतलब डर का माहौल, एक खौफ का माहौल भी रहता है। ये हम भी फील करते हैं कभी कभी जब हम क्लैश स्क्वाड खेलते हैं। हम तो कस्टम कम खेलते हैं, बट जो रैंक वगैरह मैच खेलते हैं तो उसमें क्या होता है, जब हम पीछे रहते हैं तो हम प्रेशर फील कर पाते हैं। ठीक उसी तरह प्रेशर अभी हॉकआई की टीम भी फील कर रहा होगा, खाता खोलने का प्रेशर, स्कोर यहाँ पे ओपन करने का प्रेशर। तो देखते क्या होता है, 6वां राउंड का मैच यहाँ पे चल रहा है एंड दोनों ही टीम काफ़ी बढ़िया वाला कर रहे हैं सर्वाइव। लेकिन यहाँ पे आकाश भाई के पास अभी डबल ओम नहीं है, क्योंकि राउंड हारने के बाद पैसा भी कम हो जाता है एंड उसके चलते भाई साहब बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। एंड यहाँ पे फिर से कर रहे बढ़िया वाला सर्वाइव, तो कवर में है अभी भाई ब्लू के। आकाश भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं एंड अंकित भाई यहाँ पे दिखा रहे हैं इमोट। लवी भाई आ चुके हैं आगे एंड लवी भाई को पड़ा डैमेज। क्लासी भाई ऊपर एंड यहाँ पे आकाश भाई को पड़ा मार और आकाश भाई यहाँ पे हो चुके हैं नॉकडाउन। लेकिन आकाश भाई को बचाने की कोशिश किए जा रहे हैं, एक के बाद एक ब्लू लगाए जा रहे हैं, बट मेरे को नहीं लग रहा आकाश भाई को बचाने या पॉसिबल होगा। और फैनिक भाई भी नॉक डाउन एंड अंकित भाई नॉक डाउन, आखिरी बंदा भी खत्म। एंड भाई साहब क्या ही गजब बल्लर राज कर दिए है यूनाइटेड इंडिया की टीम, एकदम जबरदस्त बल्लर राज। और इसी के साथ साथ स्कोर आगे बढ़ते 6-0 एंड ओपी वाला परफॉर्मेंस यहाँ पे दिख रहा है यूनाइटेड इंडिया की टीम का। एंड ये वाला राउंड जो है आखिरी राउंड हो सकता है, यूनाइटेड इंडिया की टीम यहाँ पे भी ओपी वाला परफॉर्मेंस करके दिए तो भाई साहब 7-0 से मैच को जीत सकता है। बट क्या यहाँ पे यूनाइटेड इंडिया की टीम 7-0 से मैच को जीत पाएंगे, क्या यहाँ पे जो हॉकआई की टीम है खाता खोलने की कोशिश नहीं करेंगे या फिर खोलने में कामयाब नहीं हो पाएंगे, तो इन सारे सवालों का जवाब कुछ ही पल में मिलेगा, कुछ ही क्षण में मिलेगा, बस एक डेढ़ मिनट के बाद हमें मिल जाएगा जवाब। तो रॉक भाई देख रहे हैं दो दो बंदा कवर ले लिया है सामने, रॉक भाई यहाँ पे नीचे ले लिए कवर और आकाश भाई धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए कार की कवर में चले जाएंगे। डैमेज वाला कार जो रहता है कोने पे, तो यहाँ पे ले लिए है कवर। मिल वाला राउंड चल रहा है, 7वां राउंड मैच का आखिरी राउंड होने की चांसेस है एंड यहाँ पे अगर हॉकआई की टीम कमबैक नहीं किया है तो भाई साहब 7-0 से मैच को हार जाएंगे एंड जो मैच का बेस्ट ऑफ 3 का रिजल्ट है वो यूनाइटेड इंडिया के पक्ष में आ जाएंगे। ऑलरेडी 1-0 से आगे है यूनाइटेड इंडिया एक मैच खत्म होने के बाद, तो यहाँ पे ये वाला मैच में यूनाइटेड इंडिया जीत लिया तो भाई साहब 2-0 से मैच हो जाएंगे ख़त्म। तीसरा वाला मैच जो है वो यहाँ पे ज़रूरी नहीं है करवाना, क्योंकि भाई टीम बेस्ट ऑफ 3 का वही होता है मैच, दो मैच अगर किसी ने जीत लिया तो वही पे बात ख़त्म। तो काफ़ी बढ़िया वाला सर्वाइव कर रहे हैं, तो यूनाइटेड इंडिया के प्लेयर्स के मन में चल रहा है कि भाई 7-0 मार दिया जाए, बट उधर हॉकआई भी सोच रहे हैं भाई साहब कम से कम एक राउंड तो हम निकाल लेंगे, 7-0 से नहीं हारेंगे, खाता तो हम खोल लेंगे, वाइट वॉश होने की कोई यहाँ पे गुंजाइश नहीं रखना चाहते है हॉकआई की टीम। तो देखते हैं क्या रिजल्ट निकलते हैं, बस कुछ ही देर में पता चलेगा। धीरे धीरे जोन आगे बढ़ते जाएंगे, बंदा आगे बढ़ता जाएगा एंड फाइट शुरू होता जाएगा, गंदा वाला फाइट। और आकाश भाई यहाँ पे तैयार दो दो ओम लेके एंड पहला नॉकडाउन जिसके टीम से होगा वो टीम आएगा मुश्किल में, सबसे पहले जो टीम नॉकडाउन होगा वो टीम मुश्किल में आ जाएंगे एंड देखते हैं कौन सी टीम पहले नॉकडाउन होते हैं। तो यूनाइटेड इंडिया भी तैयार, हॉकआई की टीम भी तैयार और यहाँ से राउंड कौन निकाल के लेके जाता है, ये वाला बहुत अहम सवाल, बहुत अहम सवाल। इस सवाल का जवाब यूनाइटेड इंडिया वाले भी ढूंढ रहे हैं एंड हॉकआई भी यहाँ पे कम से कम एक राउंड निकालने की कोशिश किए जा रहे और यहाँ पे लगातार फायर पे फायर एंड दोनों ही टीम का एक एक बंदा हो चुके हैं नॉक। अंकित भाई नॉक, बंच भाई नॉक, यहाँ पे भाई साहब 7-0 से यूनाइटेड इंडिया ने मारा है। ओपी वाला भुया बहुत ही जबरदस्त वाला भुया मारा है 7-0 से यूनाइटेड इंडिया की टीम ने, हॉकआई को यहाँ पे भाई साहब हरा दिया है एंड क्लासी भाई का एक बार फिर से क्लासी परफॉर्मेंस, एकदम ओपी वाला परफॉर्मेंस, क्लास परफॉर्मेंस 11 किल के साथ और 8 किल अभी भाई का, 5 किल लवी भाई का एंड रॉक भाई का 3 किल। और बाकी एक बार डिटेल्स में जाकर हम देखेंगे कैसा रहा हमारे हॉकआई की टीम का परफॉर्मेंस। 3 किल अंकित भाई का, आकाश भाई का 2 किल एंड बंच भाई का हो चुका है 2 किल, फेनिक्स भाई ने खाता नहीं खोल पाए, 7-0 से मारा है यूनाइटेड इंडिया ने भुया। पिछला मैच जो था वो मारा था 7-4 से भुया, ये वाला मैच उससे बेहतर निकला,
बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस यूनाइटेड इंडिया की, और भाई ऐसे परफॉर्मेंस करते जाएंगे यूनाइटेड इंडिया तो भाई साहब ये टीम काफ़ी आगे चले जाएंगे। और इस टीम के ऊपर भाई साहब बहुत यूनाइटेड इंडिया का एक आशा है, जो बहुत दिनों से यूनाइटेड इंडिया की कोई टीम नहीं था, लेकिन ये वाला टीम ने वो कमी कर दिया है पूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। एंड यहाँ पे दूसरा मैच के बाद हो चुका है मैच ख़त्म, तो चलिए मिलेंगे आप लोगों को अगले वीडियो में अगले किसी और टीम के साथ वर्सेस के साथ, और बेस्ट ऑफ थ्री वाला वर्सेस। टाटा बाय बाय एंड जय हिंद।